ताऊ जी ने 4 लेन रोड बना दिए हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्लास। छोटा पेड़ तो मैं तो तुरंत काट देता हूँ, तुरंत। फोर्स इतना ज़्यादा है कि लीक हो जाए। ये हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के इस नए व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम सुबह से। तो अभी कोहरा छट रहा है, बारिश रुक गई है। फोकस फोकस फोकस। तो बारिश रुक गई है और अभी मैं जा रहा हूँ चरपणी। पापा और तो चले गए, आगे भैया जा रहे हैं, तब चलते हैं। ज़रा बाल सेट करें। हाँ, हम जा रहे हैं चरपणी। चलो चलो, तुम जा ले हो तब आणू छोमी। तब अगर तुम पानी जोड़ दिया तब हम आना छो। कल पानी टूट गया था ना पिछले व्लॉग में, आपने देखा होगा। तो बस उसी को बनाने के लिए जा रहे हैं। तो हथियार सब एक एक ले गए हैं। भैया कुटुल ले गए, मैं दाथी ले जा रहा हूँ, और पापा और ले गए रिंच वगैरह, पाइप कसने का सामान सारा। देखो टंकी एकदम सूख गई, लेकिन ओवरफ्लो होता है ना जब इस पर, यार ये वाली है टंकी ओवरफ्लो वाली, जब उसमें भर जाता है तब इसमें जाता है, इस टंकी में पानी। पेड़ ही पेड़ रह गया अखरोट का, देखो ये है अखरोट का पेड़। यही थी ना पहले पिच, इस खेत में थी, ऊपर वाले में। यहाँ पहले क्रिकेट खेलने आते थे, और अब देखो यहाँ कैसा हो गया, जंगल ही जंगल है। पत्थर तो पता नहीं यार, जब रोड बनी होगी तब। ऊपर यहाँ पे थी गाइस पहले पिच, अब यहाँ पे पिच का नामो निशान नहीं है, सिर्फ रास्ता रह गया है। बड़े बड़े पत्थर आ रखे, ऊपर रोड बनी थी जब। देखते हैं कहाँ टूटा पाइप, अगर ठीक चरपणी के आसपास टूटा होगा तो मैं पानी भी दिखाऊंगा तुम्हें कि कहाँ से आ रहा हमारा पानी, लेकिन अगर इधर ही टूटा होगा तो वहीं से बना के हम घर आ जाएंगे। फालतू में उधर क्यों जाना है, कांटे भी है रहे यहाँ पे। और ये रहता था गाय के पानी पीने के लिए। यहाँ पे थोड़ी मिट्टी वैसी है ना, पानी कम सूखती है, देर मतलब आज बारिश होगी तो 3-4 दिन तक पानी रहेगा इसमें, जितनी ज़्यादा बारिश होगी। इधर एक बाघ का अड्डा भी है जहाँ पे बाघ हमेशा रहता था। ये है चीड़, इसको बिल्कुल भी उगने नहीं देने का, सबसे बेकार है ये। ये इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर पिरुल गिरता है, फिर इनके चक्कर में आग लगती है। छोटा पेड़ तो मैं तो तुरंत काट देता हूँ, तुरंत। ये देख रहे हो कितने सारे छोटे छोटे, ये पीले पीले से दिख रहे जो। इधर नया घास आ रहा पूरा, आग लगी है ना, अभी तो लगी थी एक दो हफ्ते पहले। और यहाँ पर हमको हिरन के होने के अवशेष मिलते हैं। बुकरियाल बुकरियाल धुलिया से का। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं चरपणी। ये देखो ये है हमारी पाइपलाइन। अब पता कहाँ से आ रही है, चीड़ का पेड़ है वहाँ से, उसके भी पीछे वाले रौले से आ रही है। यही है नीचे वो भ्याल, और वो ऊपर रोड है जहाँ से मैंने आपको नीचे का एंगल दिखाया था उस दिन। देखो यहाँ पर हो रखा है पानी हमारा, टूटा हुआ है ये पाइप, अलग हो गया यहाँ पे से रौला। देख रहे हो ये पत्थर आया होगा, चिम ले गया। यहाँ पे तो दीवार रखनी पड़ेगी तब ये पाइप अटकेगा, वरना ऐसे में रहता ना ये फिर टूट जाएगा। बरसात में यही समस्या है गाइस, यही समस्या है हमारी मेन, पानी टूट जाता है। गुस्सा आता है फिर बहुत, ऊपर जब से रोड आई है ना तब से तो पानी इतनी बार टूट चुका है, कोई हिसाब ही नहीं है। पत्थर ऐसे आता है धड़ 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 धड़, इसको शिकंजा बोलते हैं। और यह है चूड़ी कसने वाला, तो इसकी चूड़ी ख़त्म हो रही है थोड़ी, तो इस पर चूड़ी कसी जाएंगी। अब इंजीनियर हैं पापा हमारे साथ। पानी बहुत है भाई, पानी बहुत है। देखो ये बनाता है लोहे के पाइपों में चूड़ी, ये देख रहे हो इसके दांत। अभी इस पाइप को लेके चलेंगे हम सीधा करने के लिए, बीच में थोड़ा टेढ़ा है ना, और जुगाड़ दिखाऊं मैं देखो तुमको किस चीज़ में हम इसको सीधा करते हैं। हमारे पास कोई पाइप सीधा करने का साधन नहीं है, लेकिन हम इसको तब भी सीधा करेंगे। ये है हमारा यंत्र जिसमें हम पाइप सीधे करते हैं, मुड़े हुए पाइप यहाँ सीधे होते हैं। झूला झूलना चिंता हो जाए, चलो हो गया। हाँ इतना सीधा तो नया भी नहीं था, नया भी नहीं आया था। तो गाइस अभी हम पत्थर रखने वाले हैं ऊपर, इसके लेवल की दीवार रखेंगे, तो अब जरा पत्थर ढूंढ के लाते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ नए असॉल्टर आ गए हैं ताऊ जी, तब ताऊ जी इनमें तो बुलंद की मैंने आंत काम कामल नहीं ढूंढ सा। गाइस वहाँ देखो दीवार लगा दी है बढ़िया से, और ताऊ जी वहाँ से खूब सारे पत्थर फेंक रहे नीचे। गरम गांव वाला सोचना वाला कि पानी आने वाले आने वाले, और यह कहानी अलग हुई कहते दीवार चिड़ना फल लगे तो, क्योंकि अब बरसात आ रही है ना, बरसात में तो तब इन की फल हो गया कस गया।
ये पाइप सीधा करके लाए तो एक ही बारी में जुड़ गया वो, बिल्कुल बिल्कुल नुक्स नक्शे नखरे करे बिना। आओ जी बस कत कलम डाना तू ना ढंडा डूंगा। बस अब निपटने वाला है काम, पाइप हमने दबा दिया है, दीवार हो चुकी है पूरी इधर से। और अब हमने यहाँ पे जो है पाइप दबा दिया है। ताऊ जी ने 4 लेन रोड बना दिए हैं यहाँ पे, केदारनाथ का रूट बन गया है, बद्री केदार का, देखो बिल्कुल चौड़ा रूट। बस अब धनाते थैलम, अब घर ही जाना सीधा। हथियार पैकिंग होगी, अब बंद करो सारे हथियार, बुलडोजर उलडोजर रखो। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर, अब चेक करते हैं जरा टंकी पे चढ़ाऊँ कितना पानी आ रहा है। वो काफ़ी पानी आ रहा है, वहाँ कूदेंगे हम सीधा। घर पहुँचते आने का सबसे पहले नहा लेते हैं, पानी आ गया है, सुबह तो नहाए नहीं थे तो मैंने कहा अभी नहाए। और अभी मम्मी ने बना रखा टेस्टी रसना भाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से सब बढ़िया लगता है। कोल्ड ड्रिंक पियोगे ना 10 मिनट बाद टेस्ट गायब, इसका टेस्ट थोड़ी देर तक रहता है। तो गाइज अभी खाना वगैरह खा लिया है, आम वगैरह खाए मस्त एकदम, और अभी चल रही है हवा देख रहे। तो बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, अब इस मौसम में क्या पता नहीं। तो गाइज चाय वगैरह पी के अब तैयार हो गया हूँ मैं, ना जा रहा हूँ अभी सतपुली, भैया प्रवीण भैया और जा रहे हैं सतपुली, तो विकास भैया और भी अब सतपुली जाएंगे, कल से अब भी और के स्कूल खुल जाएंगे। और ये परसों जो मैं थैला भूल गया था इसको लेके जा रहा हूँ, तब इसको भी पिसवा के ले आऊँगा शाम के टाइम पे। भैया और भी जा रहे थे सामान वामान लेने, मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। चलिए गाइस चलते हैं। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं रोड पर, अभी फर्स्ट आया काकू और अब भी आया आज सेकंड, ये छोटा आया, ये भैया पहुँचते हुए, एक भैया वो वहाँ से पहुँचते हुए, और भाभी और यहाँ से शॉर्टकट लेके आ रहे हैं। अब चलेंगे हम बाजार, वहाँ देखो अभी भी धूप ही है। वो देख पापा गए तेरे पीछे से। तो गाइस गाड़ी में बैठ चुके हैं सबके सब, और हम जाएंगे स्कूटी से। 1 hour later तो गाइस सतपुली पहुंच चुके हैं, और पहुंचते हमने सबसे पहले लिया सामान, सामान वगैरह सब भर दिया है गाड़ी में। और अभी हूँ मैं इधर क्या बोलते हैं पौड़ी रोड है एक खोपचे में, और वहाँ पे फिर हॉर्न की आवाज़ आती है, फिर वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता। ये खड़ी अपनी गाड़ी, आज संडे है ना तो मार्केट भी खाली खाली सा है देखो। और गाइस सामान देखो, सामान भर लिया है पूरा, और अब लूँगा मैं मोमोज, मम्मी ने मोमोज मंगाए थे, मम्मी ने बोला मोमोज ले आइयो, तो वो रहा देखो डंगवाल रेस्टोरेंट, वहाँ से लूँगा। तो गाइस अपन घर पहुँच चुके हैं, और अब अंधेरा हो चुका है, और यहाँ पर देखो मलाई निकल रही है दूध में से, और मैं कर रहा हूँ मोमोज गरम। हमने तुरंत मोमोज लिया, उसके बाद हम तुरंत निकल गए क्योंकि अंधेरा होने वाला था, फिर अंधेरा हो जाता है तो फिर रास्ते में भी दिक्कत होती है, फिर थैले वैले लाने होते हैं। तो मैंने कहा अब घर पे ही कंटिन्यू करेंगे व्लॉग रास्ते से, नहीं तो सर लगने वाला था अभी। तो बस हम जरा करते हैं मोमोज टीम, पानी उबल रहा है उसके बाद तुरंत इस पर रखेंगे फिर खाएंगे। तो गाइस मोमोज हो चुके हैं स्टीम, चटनी वगैरह हो गई है, और ये देखो मेहमान भी आ गए। तबर फिरू नहीं दींदा भैया, मोमो नहीं दींदा, मोमो दींदा ही नहीं छोड़ा, नहीं दींदा जब बोले हाल मिल नहीं दींदा भाई क्या देना दीर च ले नहीं दींदा हम जमा नहीं देने। ओ आंख कान बुझ दो, दे दे यार छोड़। गाइस ये देखिए मलाई लगा के दे रहे, बिल्कुल एकदम लैंडलॉर्ड बिल्ली। चलो गाइस हम भी खाते हैं मोमोज, और खाना आज वही है, हैवी हो जाएगा पर खाऊंगा मैं, दाल खाऊंगा मैं, दिन की दाल। अच्छा बहुत मस्त बनी थी एकदम।